और ये परफ्यूम लगाने से पहले मैं बता दूं कि अगर ये परफ्यूम डिओड्रेंट जो भी है इसको लगाने के बाद आप ये मत सोचे कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा। इसको हम जरा इस पे यूज करेंगे अपनी सिम के प्लास्टिक पे। हेलो, आज फिर से लेकर आ गए हैं परफ्यूम का रिव्यू। आज एक परफ्यूम का नहीं बल्कि तीन परफ्यूम का रिव्यू करेंगे और सारे परफ्यूम जूडियो के हैं, अलग-अलग फ्रेग्रेंस के। तो बिना किसी देरी रिव्यू करते हैं। तो इन तीनों को आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। अलग अलग फ्रेग्रेंस है इनके, ये पल्स है, ये प्ले है, ये वाइल्ड है। तीनों ही 100 रुपए के हैं। डबल नाइन का ये भी, डबल नाइन का ये भी, डबल नाइन का ये भी, वो भी आपके जूडियो स्टोर में। ये ऑनलाइन अवेलेबल अभी नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि ये ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा, तो आपके नियर जूडियो स्टोर से ये मिल सकता है, वो भी डबल नाइन का, हर जगह डबल नाइन का ही है। तो इन तीनों का आज रिव्यू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जूडियो प्ले के लिए, ये वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो मैं इन दोनों का भी रिव्यू करने वाला हूं। इन तीनों का रिव्यू करने वाला हूं, तीनों को आपस में कंपेयर करने वाला हूं, कौन सा बेटर है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। जो मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूं, जो मुझे अच्छा लगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो इन तीनों के रिव्यू करने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सेफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, किसका प्रोडक्ट है, उन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल के बारे में बात करेंगे, जो कि ये डिटेल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके परचेज करने से पहले। तो ये डिटेल जरूर देखना, स्किप मत करना। तीनों के लुक भी दिखा देता हूं। ये देखो इस तरह के से लुक है, यहां पे लिखा हुआ है परफ्यूम बॉडी स्प्रे फॉर मैन। ये तीनों परफ्यूम मैन के लिए, वुमेन के लिए नहीं है। वुमेन के लिए भी डबल नाइन वाला आता है, लेकिन ये जो मैं रिव्यू कर रहा हूं वो मैन की है। आदमी हूं, आदमी से प्यार, बस यही अपराध में हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी। तो इस तरीके से इसकी लुक है, पीछे वही डिटेल है, जो सब में डिटेल वही है इस तरीके की। ये देखो, और इसका भी आप देख सकते हो। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तीनों की इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम है, और मैं बता दूं आपको, इनके इंग्रेडिएंट्स में अल्कोहल की मात्रा मिली हुई है। कम मात्रा है, लेकिन अल्कोहल की मात्रा इसमें मिली हुई है। इसके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है। यूज करने का तरीका क्या है, पहले शेक करो इसको, फिर यूज करो, और 15 सेंटीमीटर की दूरी से को स्प्रे करना। तो लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर से बॉडी की दूरी से आप इसको स्प्रे करो अपनी बॉडी पे। आप अपने क्लोथ पे भी इसको स्प्रे कर सकते हो, कोई वो नहीं है। और ये डिओड्रेंट नहीं है, कंपनी ने इसको क्लियरली बोल रखा है परफ्यूम बॉडी स्प्रे इसको बोल रखा है। हालांकि तीनों डिओड्रेंट जैसी बोतलों में है, परफ्यूम बिल्कुल लुक नहीं दे रहा है, पूरा डिओड्रेंट है ये, और ये डिओड्रेंट ही है वैसे तो। 50 डिग्री के अंदर इसको रखना है, 50 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना। वैसे 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ही घर में टेम्परेचर होता है, तो घर में हम रखने वाले हैं तो कोई इतनी वो नहीं बात है। दूसरा, बच्चों से दूर रखना है, अपने आंख पे, अपने फेस पे इसको स्प्रे नहीं करना है। इस पे लिखा हुआ है मार्केट बाय टाटा है, जूडियो के प्रोडक्ट मार्केट बाय टाटा है, टाटा ही ग्रुप का है ये एक तरीके से देखें तो, और बाकी का ज्ञान रहने दो। लेकिन लेते वक्त ये ध्यान रखना है इसका वेट कितना है, कि यूज करा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जो इनकी सील्ड है वो नाम की सील्ड है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी दिखाया था, बताया था, ये जो सील्ड है ये ऐसे ओपन, ऐसे बॉक्स हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं, ये वाला भी देखो, ये पूरी सील्ड है, लेकिन जादू दिखाऊं तो मैं ऐसे, ये भी ओपन हो गया है। इसको दिखाऊं तो ये भी ओपन हो गया है। तो वेट देखना जरूर उसका, ऐसे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ये जैसे मैंने पहले यूज कर रखा है तो ये हल्का है, कि भारी है थोड़ा, तो ये आइडिया देख लेना कि यूज करा हुआ ज्यादा ना हो। कुछ लोग स्टोर में जाके इसको पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं। और ये परफ्यूम लगाने से पहले मैं बता दूं कि अगर ये परफ्यूम डिओड्रेंट जो भी है इसको लगाने के बाद आप ये मत सोचे कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा। तो इसकी अब टेस्टिंग करते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। प्राइस तीनों के सेम है, अल्कोहलिक है ये, तो आप अल्कोहलिक से दूर रखते हैं तो ये बिल्कुल भी परचेज मत करें। अगर आप अल्कोहलिक परफ्यूम यूज नहीं करना चाहते, इसमें कम मात्रा में है लेकिन फिर भी है तो अवॉइड करते हैं, तो इसको अवॉइड ही करें। तो जो हम टेस्टिंग करने वाले, वो पैन पे करने वाले, पैन के ऊपर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले वाइल्ड वाला ले लेते हैं, छूट गया थोड़ा, गैस काफी है तीनों में।
जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, हल्की हल्की सी चुबन है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा डार्क, जो डार्क फ्रेग्रेंस की बात करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी डार्क सी है, हल्की जैसे कि इसका नाम है वाइल्ड, तो हल्का वाइल्ड पना वो जो इन्होंने यूज करना चाहा वो हल्का सा है प्ले के मुकाबले। प्ले को भी हम बताएंगे कि प्ले कैसा था, बाकी प्ले की डिटेल देखनी है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत काम की। दूसरा ये जो है फ्रेग्रेंस इनकी लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ये वाला यूज करा हुआ है तो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 3-4 घंटे में आपका कहाँ उड़ गया कुछ पता ही नहीं चला, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लगाने के बाद भी कहाँ उड़ रहा है कुछ नहीं पता। तो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैंने लगाया और 2-3 घंटे अपना काम कर दे, जो होना है डेट पे जाना है, इधर उधर जाना, काम कर दे, तो वो चीज इसमें हो जाएगी। ये वाले जो परफ्यूम है ये वाले भी रिव्यू करेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इन परफ्यूम का तो जूडियो का ये भी परफ्यूम मैं रिव्यू करूंगा, तो कमेंट करो जरूर करना। इसकी जो कॉम्बिनेशन की बात करें थोड़ा सा वाइल्डी है, थोड़ा सा अल्कोहलिक थोड़ा सा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर इसको अगर आप प्रेगनेंस लेने के बाद ऐसा लगता है, अगर मैं अब नोटिस कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे पता ही कि अल्कोहलिक है कम मात्रा में, तो इसमें पता चल रहा है हाँ इसके इंग्रेडिएंट में अल्कोहल है, जो कि मोस्टली वैसे पता चल जाता है। डार्क फ्रेग्रेंस की बात करें तो इतना ज्यादा डार्क नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि इसका नाम, तो इसके नाम में ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता अपने नाम के मुकाबले। अब बात करते हैं इसकी भी बात करेंगे, जूडियो पल्स इसकी भी बात करेंगे, इसको हम जरा इस पे यूज करेंगे अपनी सिम के प्लास्टिक पे। बहुत ही ज्यादा घटिया फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ही ज्यादा मत लेना बिल्कुल भी, अजीब सी फ्रेग्रेंस है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कितनी बेकार है इसकी, बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा बेकार है इसकी फ्रेग्रेंस, ये आप लगाओगे तो आपसे दूर होंगे लोग, ऐसी फ्रेग्रेंस है, तो इससे अच्छा बिना नहाए निकल जाओ वो बेटर है, इसको लगा के जाना बकवास है, तो इसको तो छोड़ देना, पल्स बिल्कुल भी मत लेना। अब बात करते हैं प्ले की, प्ले मैंने यूज करा हुआ है पहले भी, लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है ये, चेक करें पहले फिर लगाएं। इसकी फ्रेग्रेंस बताऊं इससे बेटर है, तो फर्स्ट पे ये आता है, सेकंड पे ये आता है, आपको थोड़ा वाइल्डी टोन में चाहिए तो ये भी, ये खराब तो नहीं है लेकिन इससे बेटर नहीं है, ये मेरे को सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है, फिर ये है और ये तो बिल्कुल भी मत लेना, ये तो पता नहीं क्यों बनाया है ऐसी फ्रेग्रेंस, किसको पसंद है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कौन है ये लोग कहां से आते हैं। तो अगर आप यूज करते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जो कि दूसरे लोग आपको कल ही देखे जाए। जोक सपाट ये वाला बिल्कुल भी मत लेना, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ले लेना, भाई मेरे को तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, अल्कोहलिक है ये पहली बता रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो, अल्कोहल से दूर रहना है तो दूर रहो, दूरी रहना चाहिए, कोशिश करो कि बिना अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज करो। तो यही रिव्यू था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और परफ्यूम के रिव्यू देखने, ये वाला देख सकते हो विलन का, और आपको और कौन से परफ्यूम के रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका भी रिव्यू लेकर आऊंगा। वीडियो को प्यार देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।